सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। फर्जी हो पाए जाने के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। जिले में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ ही अभियान जारी है। एक तरफ दर्जन से अधिक फर्जी शिक्षकों के खिलाफ ही विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने पर इस दायरे में आने वाले शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई है। पिछले एक दशक में प्राथमिक विद्यालय की फर्जी शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। फर्जी शिक्षकों की शुरुआत यहाँ पर विशिष्ट यहाँ पर भर्ती के रूप में मिली है। संपूर्ण नंद के संस्कृत महाविद्यालय में आगरा विश्वविद्यालय बीएड की फर्जी डिग्री हासिल कर प्राथमिक शिक्षकों का चयन अधिकांश अभ्यर्थियों ने करा लिया है। इस संबंध में जितने भी फर्जी कागजात लगे हैं, जिन्होंने भी अपना डॉक्यूमेंट्स जो है नियुक्ति के समय में गलत लगाया है, सबका बैचवार सबकी जाँच चल रही है इस समय। और जो जो उसमें से फर्जी पाए गए, चैटेट का प्रमाण पत्र फर्जी मिल रहा है। अभी जो जून में अभी किया गया है, 5 लोगों को बर्खास्त किया गया था। 5 लोगों का टेट की जो मार्कशीट था ये फर्जी था। और अभी फिर अभी आगे भी अभी जांच चल रही है, जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से या आगरा विश्वविद्यालय से जिन्होंने बीएड किया है, या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से किसी प्रकार की भी डिग्री प्राप्त किया है, या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से जो भी डिग्रियाँ लिए हैं उनकी जो फर्जी है उसकी जाँच लगातार चल रही है। और जो भी फर्जी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कार्रवाई किस तरह की जा रही है? क्या इनके खिलाफ रिकवरी हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, किस तरह कार्रवाई चल रही है? यदि जिनके भी प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएंगे उनको न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उनके वेतन की रिकवरी के साथ साथ उन पर FIR भी दर्ज कराया जाएगा। और कई लोगों पर FIR भी दर्ज हो चुका है और वेतन रिकवरी प्रारंभ हो गया है। क्या इसके बाद कोई और बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में है आप? बिल्कुल, जो भी यदि फर्जी पर जो जांच चल रही है उसमें से जो भी फर्जी पाया जाएगा उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस